ये देख गाइस हमें खतरनाक किचन सेट मिल चुका है भाई। इसमें तो चक्कू वक्कू सब चीज है, मगर भाई इसमें ना सिलेंडर नहीं है। कोई बात नहीं, फूक से चला लेंगे गैस। नाश्ता तैयार है सर, जल्दी कीजिए। ये देखो भाई मस्त खाना बन गया इस गैस पे, ताजा ताजा रोटी तैयार है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। शाम गाइस, जैसा कि आपको पता, हम दो दिन पहले टॉयज वाली शॉप पे गए थे और वहां से मस्त पेपा पिक का सेट लेके आए थे। उसी दिन चांस कह रहा था इसे किचन वाला सेट लेना है, मगर वहां पे भाई अजीब सा किचन सेट मिल रहा था। वो बिल्कुल बकवास था भाई, बिल्कुल असली वाला था, मगर चांस को पसंद ही नहीं आया। लोहे के बर्तन मुझे पसंद नहीं आते। गाइस हमारे वाले टॉय स्टोर पे मिलता है एक बहुत ही मस्त किचन सेट, तो अभी उस टॉय स्टोर पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा वो किचन सेट है। आज तो मस्त खाना खाऊंगा किचन सेट में। गाइस उसमें मस्त कप व प्लेट व्लेट होती है, तो भाई छोटी रोटी बनाएंगे प्लेट में रख के खाएंगे भाई, मजा आने वाला है। सोच रहा था, चलो तो भाई अभी जल्दी चलते टॉय स्टोर पे और भाई मस्त किचन सेट लेके आते हैं। भाई अभी जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो टॉय स्टोर बंद भी हो सकता है। जल्दी चलो, जल्दी मुझे किचन सेट लेना है आज। भाई एक किचन सेट आ रहा है जिसमें गैस भी आती है और सिलेंडर भी आता है, वो वाला मुझे बहुत पसंद है, अगर वो मिल गया ना वही लेके आएंगे। जब हम छोटे थे ना तो भाई मेले में मिलता था वो किचन सेट, उसमें असली का सिलेंडर होता था। नहीं भाई प्लास्टिक का होता था, मगर भाई उस टाइम पे ना घर वाले इतने पैसे ही नहीं देते थे कि उसे खरीद लें। लेने जा रहा हूँ भाई, तो रोज टॉय लेता है भाई, हमें कोई टॉय नहीं दिलवाता था। मेरी किस्मत बढ़िया ही रहती है हमेशा। चलो तो गाइस अभी जल्दी से निकलते हैं टॉय स्टोर के लिए। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी टॉय स्टोर पे आ चुके हैं भाई, टॉय स्टोर से सारा सामान हटा दिया, सिर्फ पिचकारी है। और ये देखो अपनी गैंग का बंदा मिल गया। हेलो गाइस। भाई मुझे लग रहा है होली के टॉय लेने आया है। और क्या, पूरी दुकान खाली कर दूंगा। भाई साहब इनकी खुद की दुकान ही है, रोज नई नई पिचकारी ले सकता है ये तो। रोज गुल्लू गुल्लू लेके जाता हूँ। ये देखो भाई कितनी अजीब पिचकारी भाई, केले वाली। मैं तो लिस्ट भी बना दी होली की। अब भाई किस चीज की लिस्ट बनाई है, मुझे क्या क्या सामान चाहिए होली का। गाइस ये देखो, ये तो सारा सामान लिख के बैठा भाई पहले ही। पढ़िए उसमें क्या है। पिचकारी है, गुलाल है, पक्का रंग है, सारी चीज बता पढ़ के। मैजिक ग्लास है, स्प्रे है, सिलेंडर है। अबे पापा की दुकान है तो लूटेगा क्या। क्या ये तो पूरी दुकान लूटने के चक्कर में है भाई। तो ये ले ले केले वाली पिचकारी। ये केले की पिचकारी से कौन खेलता है, ढंग की पिचकारी लेते हैं। गाइस इसके पेपर है, पेपर की तैयारी करनी है ना, होली का सामान ढूंढ रहा भाई ये। 5 दिन की छुट्टी है, आराम से आखिरी दिन की रात को पढ़ेंगे, क्यों इतना दिमाग खर्च करें। गाइस ये कैसा बंदा है, कह रहा 5 दिन की छुट्टी है, लास्ट दिन पढ़ाई करूंगा। वाह मैथ्स का ओरल पेपर है। होली का सामान लेना जरूरी है, और पढ़ाई में तो आगे पीछे टॉपर बैठते हैं ना, तो क्या दिक्कत है। गाइस जिस दिन इनकी पीटीएम होगी ना उस दिन आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में। ये देखो बैक बेंचर हूं, सबसे पीछे बैठता हूं, 30 रोल नंबर है मेरा। किसी भी टाइम क्लास में आके रेड मार लेना, सबसे लास्ट सीट है, 44 रोल नंबर है। अबे यार मैं किन्ना लायक बच्चों के साथ रहता हूँ यार, मैं फर्स्ट आता था अपनी क्लास में, वो भी नीचे से। अबे सारे सीक्रेट किसने बताया इसको, मेरे शयांश ने। चलो तो गाइस शयांश को मस्त किचन सेट दिलवाते हैं। भाई किचन सेट है तुम्हारे पास। है ये था ना मामा मियाँ का। भाई ये मामा मियाँ का कैसा किचन सेट है, मुझे वैसा किचन सेट चाहिए जिसमें गैस सिलेंडर सब कुछ होता है। गैस सिलेंडर इसमें सब कुछ है, कुछ भी नहीं है यार। हाँ ये देखो, ये था गैस, ये था कुकर, ये था गिलास। गाइस टॉय स्टोर पे ना अमीरो वाला किचन सेट मिल रहा है, मगर ये वाला नहीं चाहिए भाई हमें, हमें तो चाहिए जिसमें लाल रंग का सिलेंडर होता है भाई। वही चाहिए मुझे तो। तो भाई उसके लिए तो भाई अर्जुन नगर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मिल नहीं रहा, इनके पास था मगर वो सोल्ड आउट हो गया। भाई साइंस कैसा बंदा है तू, जो भी चीज मांगता है ना वो एक जगह नहीं मिलती, दो जगह जाके मिलती है। गाइस ये देखो टॉय स्टोर पे क्या मिला मुझे भाई। भाई ये बहुत पुराने टाइम की गेम है भाई, जो मेरी एज के बंदे है ना वो रिलेट कर पाएंगे इससे। भाई ये ड्रीम होता था हमारा ये गेम। गाइस उस टाइम पे 200 रुपए की आती थी, मगर भाई 200 रुपए इकट्ठा करना ना बहुत ही मुश्किल था भाई, बहुत मुश्किल। हर बच्चे का ड्रीम था ये गेम, मगर भाई खरीद नहीं पाते थे, इतने पैसे नहीं होते थे। फिर गाइस मैंने पॉकेट मनी बचा के ना ऐसी पीले रंग की गेम खरीदी थी, इसमें ब्रिक वाली गेम होती है बहुत मस्त, और गाड़ियों की रेस की भी, मजा आता था इसे खेलने में। तो गाइस बैड लक इस टॉय स्टोर पे तो मिला नहीं, मगर भाई मुझे पता है जो चीज कहीं नहीं मिलती वो कहाँ मिलती है भाई। ईस्ट और वेस्ट, अर्जुन नगर इज द बेस्ट। तो अभी अर्जुन नगर चलते हैं और वो ओल्ड स्कूल किचन सेट लेके आते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी अर्जुन नगर के टॉय स्टोर पे आ गए हैं। ये देख गाइस हमें खतरनाक किचन सेट मिल चुका है भाई, इसमें तो चक्कू वक्कू सब चीज है, मगर भाई इसमें ना सिलेंडर नहीं है। कोई बात नहीं, फूक से चला लेंगे गैस। तो भाई ये मस्त लग रहा है। वैसे भाई एक और ऑप्शन भी था, ये देखो भाई रंग बिरंगा किचन सेट। अब इन दोनों में से बता कौन सा ले। वाले
बढ़िया लग रहा है, लोहे का है पूरा। भाई ये प्लास्टिक का ही है मगर इसमें ना रंग किया हुआ है। गाइस देखने में ये वाला बढ़िया लग रहा है मगर भाई बच्चों के खेलने के लिए ये वाला बढ़िया है, इससे ना चोट लग सकती है। तो भाई हम ये वाला ले रहे हैं क्योंकि दूसरे वाले से ना चोट लग सकती है। तो गाइस अभी मस्त किचन सेट ले आए हैं। गाइस हम दूसरा वाला भी ले सकते थे मगर भाई उससे चोट लग सकती थी। वैसे भी ये लड़कियों का होता है भाई। मैं खेल लूंगा, मैं लड़की तो हूँ यार। पता नहीं क्या पसंद है इसे, ऐसी चीजें भाई लड़कियों वाली चीजें मांगता रहता है। बाकी गाइस अभी जल्दी चलते हैं घर और आपको दिखाते हैं भाई इसमें क्या का सामान मिला हमें। इसमें तो पूरे किचन का सामान मिल गया। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं घर। तो गाइस अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये देखो भाई साइंस अभी अनबॉक्सिंग कर रहा है। गाइस इसमें तो बहुत सारा सामान मिला है। ये देखो मेरा वाला ग्लास ही टूट भी जाता है। गाइस इस ग्लास से तो बचपन की याद ताजा होगी भाई। बिल्कुल सेम ऐसा ग्लास था मेरे पास बचपन में। उसमें मैं फर्श पे लेट के ना मक्खियां बंद करता था भाई। ऐसे बंद करता था फिर छोड़ देता था। यही मेरी आदत है, जब बेड पे लेटता हूँ जब कोई मक्खी आती है उसे ऐसे पकड़ के दो मिनट बाद छोड़ता हूँ। और दूसरा सामान है हमारे पास एक टोकरी। भाई ये तो कपड़े रखने की है ना, इसका किचन सेट में क्या काम? इसमें सब्जी लेके आते हैं, ये अमीरों की चीज है। और तीसरी चीज हमारे पास एक टिप्पन। टिप्पन नहीं टिफिन, टिप्पन ही बोलूंगा मैं तो। गाइस हरियाणवी में ना टिफिन को टिप्पन बोलते हैं। टिप्पन ये मुझे आदत लगी है भाई। इस टिफिन में ना तीन तीन चीजें रख के ले जा सकते हैं भाई। अब मैं स्कूल में सी कोई ले जाऊंगा। देखो अब भाई इस किचन सेट की सबसे क्यूट चीज दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई कितनी छोटी पानी की बोतल है, बिल्कुल असली बोतल लग रही है जैसे घर में पानी की आती है। रोटी इसमें रखूंगा और ऐसे करूंगा दो मिनट बंद करके स्टीम करूंगा और फिर ऊपर उछालूंगा। और ये देखो सस्ती पेप्सी भी मिली है इसके साथ। बस बस बस, बस सारी खत्म हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी। ट्रक के आगे जीत है माउंटेन ड्यू से। तो गाइस अभी करते हैं ताड़ू भाड़ू अनबॉक्सिंग। ये देखो भाई, ये देखो हमारी गैस, सस्ती गैस जिसमें सिलेंडर नहीं है। गाइस ये देखो कितना सारा सामान मिला इस किचन सेट के साथ, दुनिया भर के कप। और ये देखो फ्रायर भी मिला है भाई इस किचन सेट के साथ। ये देखो क्या बकवास चीज मिली है भाई, फूड ट्रक। इसके अंदर कुछ भी नहीं है और खाली है, ये खाली गत्ते का ट्रक दे दिया। बाकी भाई 150 रुपए में ना बहुत सारी चीजें मिली है इसमें भाई। अब मैं बना रहा हूँ मैगी। ये देखो भाई गैस का सामान रख दिया, अब पता नहीं ये क्या बनाएगा। अभी मैं बना रहा हूँ चाय। ये देखो भाई क्या कर रहा है, अबे जॉली नहीं है तू। ये देखो जॉली की एक्टिंग कर रहा है। अबे जॉली जॉली रुक जा जॉली। गाइस जॉली चाय वाला भाई फेमस हो चुका है भाई, बिल गेट्स के साथ चाय बना रहा भाई, कल ही वीडियो देखी है मैंने। ये देखो चाय बनाने का तरीका। क्या पागलपंती कर रहा हूँ मैं। तो गाइस आज इसी गैस पे ना मस्त रोटी बनाने वाले हैं हम, देखते हैं भाई बनती है या नहीं। बन जाएगी आराम से। नाश्ता तैयार है सर, जल्दी कीजिए। ये देखो भाई मस्त खाना बन गया इस गैस पे, ताजा ताजा रोटी तैयार है। टेक्निक बताओ कैसे बनाया खाना। ये देखो रोटी उछाल रहा भाई। ये देखो भाई बिल्कुल छोटी छोटी रोटी है और दाल है, अभी टेस्ट करके देखते हैं भाई कैसी है। तो भाई अभी साइंस खा के देख रहा कैसी है भाई, 2 मिनट में इस गैस पे खाना बना दिया। ये देखो भाई गर्मा गर्म छोटी सी रोटी और वो भी अपने देसी चूल्हे पे। चलो तो भाई अभी साइंस का खाना टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। गाइस एक नंबर हो रहा है, गजब। पर इसमें तो बेलन दिया होता है, इसका तो यूज ही नहीं करा। तुझे पीटने के लिए यूज करेंगे इसे। नहीं गाइस परसों से इसके एग्जाम है और ये किचन सेट से खेल रहा हुआ। चल कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा तो कम से कम होटल तो कर लेगा। मजा आ रहा है, मैं खुद भी खाऊंगा। तो भाई किचन सेट तो मस्त रिकमेंडेड है, इसमें मस्त मस्त चीजें मिली हैं। कप देखो कितने क्यूट हैं। तो भाई साइंस तो आज पूरी रात इससे खेलेगा किचन सेट से, क्योंकि कल इसकी एग्जाम के लिए ना छुट्टी है। भाई ये टिफिन मस्त है, इसमें 3 सेक्शन है, 2 रोटी 1 सब्जी, ऐसी छोटी छोटी रोटी आएंगी पर उसमें। तो गाइस ये किचन सेट तो भाई मस्त पसंद आ गया। बाकी गाइस शायद से ना बकवास चीजें लेके आता है सारी, भाई ये लड़कियों का होता है, पता नहीं क्यों ले आया। भाई तू लड़की है क्या? हाँ मैं लड़की हूँ। गाइस आप कमेंट करके बताना किचन सेट लड़कों के लिए होता है या लड़कियों के लिए। बाकी गाइस किचन सेट से खेल के तो भाई मस्ती मजा आ गया। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।